जाड़े का मौसम शुरू होते ही भारत में खाद्य तेलों की मांग अक्सर बढ़ जाती है। इस समय विदेशी बाजारों में भी एडिबल ऑयल में तेजी का रुख है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के तेल तिलन बाजार में शुक्रवार को कुछ तेलों में तेजी दिखी। इसमें सरसों, सोयाबीन और बिनोला तेल शामिल हैं। बाकी तेल तिलनों की कीमतें पूर्व स्तर पर ही बनी रही। मिली जानकारी के मुताबिक मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 0.7% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज लगभग 1.5% मजबूत बंद हुआ। वहीं तेल कारोबारियों के मुताबिक मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में तेजी का रुख है। इस वजह से भारत में भी सोयाबीन और सरसों तेल तिलन कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी सरसों तेल के थोक में भाव पिछले साल के मुकाबले कम है, इसीलिए किसान कम मूल्य पर बिक्री करने के लिए मंडियों में अपनी उपज नहीं ला रहे। सोयाबीन किसानों ने भी पिछले साल से कहीं महंगे भाव पर सोयाबीन बीज की खरीदी की थी और उन्हें अपनी उपज के अच्छे दाम नहीं मिले। ऐसा अक्सर हर साल होता है कि जब सर्दियों की शुरुआत से ही खाद्य तेलों की मांग बढ़ने लगती है। जाड़े में काफी लोग अपने पैर हाथों में भी सरसों का तेल लगाते हैं। इसके अलावा भोजन में भी तेल की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से इस समय बाजार में लाइट ऑयल जैसे सरसों, सोयाबीन, बिनोला आदि तेलों की कीमतों पर अनुकूल असर दिखाई दे रहा है। कारोबारियों का कहना है कि विदेशों में सूरजमुखी तेल की भारी कमी है और आयात की सीमा खोलने से देश में आयात और आयातक बढ़ेंगे। उधर कोटा के अलावा आयात ठप होने से हल्के तेलों की घरेलू उपलब्धता प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से बाकी लाइट ऑयल्स में मजबूती देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।